লিটল রলি পলি। एक समय की बात है, एक आदमी रहता था जिसकी एक पत्नी, तीन बेटियां और एक सुअर का बच्चा था। उसके सुअर का पिल्ला बहुत मोटा था और लगभग फटने ही वाला था, इसलिए उन्होंने उस मांस के लिए पाले हुए सुअर के पिल्ले को काटकर या मारकर खाने का निश्चय किया। उन्होंने उसे मार दिया जिससे बहुत मांस मिला और जिसको लगभग पूरे शरद ऋतु के दौरान उन्होंने खूब खाया। लेकिन जब पतझड़ आया तो उन्होंने थोड़ा बचे हुए मांस को एक पोतले में लपेटकर अपने अटारी में सुरक्षित रख दिया। एक बार वही किसान बाड़ी खोदने गया था। उसकी पत्नी और तीन बेटियां घर पर ही रात का खाना पकाने के लिए रुक गई। तब उनकी पत्नी ने अपनी बड़ी बेटी से कहा, बेटी जाओ और अटारी से वो सुरक्षित बचे मांस के आचार को ले आओ जो पोतले में सुरक्षित रखा है। इसे आज तुम्हारे पिता के लिए पकाएंगे। जब उसकी बेटी अटारी पे गई और जैसे ही उसने उस सुरक्षित लपेटे हुए मांस को ले जाने के लिए छूना चाहा, छोटे सुअर के मांस के पिल्ले चिल्ला उठे, तुम क्या चाहती हो? तुम मुझे खाना चाहती हो? लेकिन पहले तुम्हें मैं खा जाऊंगा। इतना कहकर उन्होंने उस लड़की को हड़प कर खा लिया। मां सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ था, क्योंकि उसकी बेटी अभी तक उस सुरक्षित मांस को लेकर वापस नहीं आई थी। इसलिए उसने दूसरी बेटी को भेजा, लेकिन उस सुअर के मांस के पोतले ने उसे भी हड़प लिया। आखिरी में मां ने अपने सबसे छोटे बेटी को भेजा ताकि वो जाकर सुरक्षित रखे हुए मांस को ले आए। छोटे लड़की को भी उससे पहले दोनों बहनों के साथ क्या हुआ था ये पता नहीं था, इसलिए उसे भी सुअर के मांस के पोतले ने हड़प लिया। उनकी मां परेशान थी कि उनकी बेटियां कहां गायब हो गई, चलो देखते हैं, उसने खुद से कहा और वो भी पीछे चली गई। जब उसने देखा कि वो सुअर के मांस का टुकड़ा कितना बड़ा हो गया है तो वो बहुत खुश हो गई। लेकिन जब उसने उसे खोलकर देखना चाहा तो वो उसे भी हड़पने में हिचकिचाया नहीं। जब किसान बाड़ी से शाम को वापस आया, वहां कोई भी नहीं था जिसने उस गरीब के लिए रात का खाना बनाया हो। वहां रात का कोई खाना नहीं पक रहा था और वहां आग भी नहीं थी। किसान हर जगह अपनी बच्ची और पत्नी को ढूंढ रहा था। उसने देखा कि वहां खाना तो था ही नहीं, तो उसने सोचा कि वो उस सुअर के बचे हुए मांस को लाकर उसे खाएगा। इसलिए अटारी पर चढ़ा और उस सुअर के मांस को लपेटे हुए पोतली को जैसे ही नीचे लाने का सोचा, तब वो सीढ़ियों पे था और तभी उस सुअर के मांस की पोतली ने उसे भी वैसे ही चिल्लाकर पूछा जैसे बाकियों के साथ किया था, तुम्हारा मतलब तुम मुझे खाना चाहते हो? बल्कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। किसान कुछ कर पाता उससे पहले उसे भी उसने हड़प कर खा लिया। लेकिन तब तक वहां सुअर के मांस की गठरी बहुत बड़ी हो चुकी थी, वो नियंत्रण से बाहर हो गया। वो गठरी खुल गई और मांस का लोथड़ा लुढ़क गया और लुढ़कता चला गया घर के दरवाजे के बाहर तक। घर एक पहाड़ी पर था, इसलिए वो सड़क पर लुढ़कती चली गई। जो लोग कुल्हाड़ी लेकर घर वापस आ रहे थे, उन सबको भी उस मांस के टुकड़े ने हड़प लिया। अंत में वो गांव में एक सुअर के झुंड से मिला, जहां एक जवान सुअर पालने वाला पीछे से एक तेज धार वाले चाकू को अपने हाथ में लेकर सुअर के मांस के टुकड़े को खाते हुए आ रहा था। उस मांस के लोथड़े ने सभी सुअरों को और सुअर पालने वाले को
एक एक करके हड़प कर खा लिया। लेकिन सुअर पालने वाले ने चाकू की तेज धार से उस मांस की पोतली को चीर कर खोल दिया और उसमें से सब एक एक करके बाहर निकल आए, जिनको भी उसने हड़प कर खा लिया था। अगर वो छोटी मांस की पोतली को नहीं काटा जाता तो मेरी कहानी थोड़ी और लंबी चलती। ब्रदर फॉक्स। लोमड़ी और भेड़िया कुछ इतने भी अच्छे दोस्त नहीं थे। चालाक लोमड़ी ने कई बार भेड़िये से अपना काम निकाला था, इसलिए भेड़िये ने एक दिन लोमड़ी को खाने की सोचा। एक बार 12 गाड़ियां मछलियों से भरी हुई पक्के रास्ते से गुजर रही थी। लोमड़ी ने उसमें से कुछ मछलियां निकाल ली। और अब भेड़िये ने यह तय कर लिया था कि वो लोमड़ी को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। और इसी तरह भेड़िया लोमड़ी के घर आ पहुंचा। और कहा, पता है लोमड़ी भाई, आज तो मैं तुम्हें खा ही जाऊंगा, पर पहले मैं ये मछलियों का लुफ्त तो उठा लूं। ये सुनकर लोमड़ी को खतरे का एहसास हुआ, पर वो डरा नहीं और उसने अपनी मछलियों में से कुछ उठाकर भेड़ियों को दे दी और भेड़िये ने आनंद लेकर खा लिया और फिर पूछा, वैसे ये मछलियां कैसे पकड़ी तुमने मेरे भाई? बस नदी से ही तो पकड़ी, बहुत ही आसान है। अच्छा, तो मुझे भी पकड़ना सिखाओगे? ठीक है, तो चलो मेरे साथ। लोमड़ भेड़िया को बर्फ से जमी हुई नदी में ले गया। वहां उसने बर्फ में एक छेद किया, छोटा सा छेद, और भेड़िया से कहा, लो भाई, अब इसमें अपनी पूंछ डालो। अगर ये हल्की ही रही तो इसे मत निकालना। जब इसमें बहुत सारी मछलियां पकड़ लेगी और ये भारी लगेगी तो इसे निकालना। ये कहकर लोमड़ी वहां से चला गया और मूर्ख भेड़िया अपनी पूंछ डाले वहां पर खड़ा रहा। काफी वक्त बीतने के बाद उसने अपनी पूंछ निकालने की कोशिश की, लेकिन वो बर्फ से जम गई थी। कुछ देर बाद वहां औरतें आई और उन्होंने भेड़िया को देखा और उसकी जमकर पिटाई की, उसे कपड़े धोने और कुल्हाड़ी से मारा। भेड़िया कूद गया, उसकी पूंछ कट गई थी और वो वहां से भाग गया। अब वो बहुत गुस्से में था। फिर वो लोमड़ से मिला, आज तो मैं तुझे खा कर रहूंगा, तुमने मुझे फिर से धोखा दिया, देखो मेरी तो पूंछ भी नहीं रही। अरे मेरे दोस्त, तुमने इतनी देर तक अपनी पूंछ क्यों डाल के रखी? मछलियां बहुत ज्यादा होने की वजह से तुम निकाल नहीं पाए। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है, पर पता है आज गाँव में एक शादी है, वहाँ स्वादिष्ट खाना है, चलो आज मैं तुम्हारी दावत करता हूँ। भेड़िया ने लोमड़ी की बात मान ली और दोनों शाम को खाने के लिए गए। किसान ने खलियाना का दरवाजा खुला छोड़ा था। थोड़े देर बाद जब लोमड़ ने पेट भर खा लिया था, उसने भेड़िये से कहा, मेरा तो गाना गाने का बहुत मन कर रहा है भेड़िया भाई। ये सुनके भेड़िया को डर लगा और उसने कहा कि गाना मत, वरना हम दोनों ही मारे जाएंगे। और फिर लोमड़ी ने छत के ऊपर जाकर गाना गाना शुरू किया। लोमड़ी की आवाज सुनकर सारे गांव वाले बाहर आए और उन्होंने भेड़ियों को देखा और उसे मारना शुरू किया।
इतने में चालाक लोमड़ डामर में कूद गया और मुर्गी के कोष में घुसकर निकल गया। जैसे ही डामर जम गया तो देखने में ऐसा लगा कि लोमड़ की हड्डियां टूट गई है। फिर लोमड़ उसी सड़क पर चला गया जहां उसे पता था कि भेड़िया यहां से ही गुजरेगा। जब भेड़िया वहां आया तो लोमड़ जोर जोर से चिल्लाने लगा। भेड़िया उसे देखकर सोच में पड़ गया। मैंने तुमसे कहा था ना कि गाना मत गाना। हाँ भाई, पर अब मैं क्या करूँ, मेरी परेशानी तो तुमसे ज्यादा है। देखो ना, चल भी नहीं पा रहा हूँ। ये सुनकर भेड़िया ने लोमड़ को अपने पीठ पर बिठाकर चलने लगा। और फिर रास्ते से चलते हुए लोमड़ भेड़िया के ऊपर बैठे हुए कुछ धीरे धीरे बोलने लगा। जिसे चोट लगी है वो बिना चोट लगे को उठाया हुआ है। भेड़िया को कुछ अच्छे से समझा नहीं और उसने पूछा, क्या तुमने मुझसे कुछ कहा भाई? नहीं भाई, मैं तो सोच रहा था कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का कौन ध्यान रखेगा। थोड़ी देर बाद फिर से लोमड़ ने कहा, जिसे चोट लगी है वो बिना चोट लगे को उठाया हुआ है। क्या तुमने मुझसे कुछ कहा भाई? नहीं तो, मैं तो बस यही सोच रहा था कि मेरे बच्चे को कौन ध्यान रखेगा। थोड़ी और देर चलने के बाद लोमड़ ने फिर से वही कहा, पर भेड़िया को कुछ भी समझ नहीं आया। अब लोमड़ का पेड़ वाला घर आ गया तो वो भेड़िया के ऊपर से अपनी गुफा में कूद पड़ा और भेड़िया ने लोमड़ की पैर पकड़ ली। लोमड़ अंदर से बोला, नहीं नहीं मेरे भाई, ये तो पेड़ की जड़ है। ये सुनते ही भेड़िया ने पेड़ की जड़ को पकड़ लिया और लोमड़ का पैर छूट गया। चालाक लोमड़ी खुश होकर अपनी गुफा में आराम से बैठ गया। भेड़िया को भूख सताने लगी और वो वहां से दूर चला गया।